बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज का टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती है? परमाणु के में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका संवेग, उसकी स्थिति, इन सबको बताने के लिए जो संख्याएं काम में ली जाती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण को हल किया और परमाणु के लिए ऊर्जा के कुछ क्वांटीकृत मान प्राप्त किए थे। इन्हीं क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। अब क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को या इलेक्ट्रॉन के संबंध में सारी जानकारी बताने के लिए जो संख्याएं दी जाती है उनकी संख्याएं हैं चार। तो क्वांटम संख्या का मान हो गया चार। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। पहली मुख्य क्वांटम संख्या को डिनोट करते हैं एन से, दूसरी द्विगंशीय क्वांटम संख्या को लिखते हैं एल से, जिसे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से डिनोट किया जाता है। अपन एक एक करके चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अपन जानते हैं कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्थायी गोलाकार कक्षाओं में चक्कर निकालता है, ये पोस्टुलेट दी थी नील्स बोर ने। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था नील्स बोर ने। जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है तो वह स्थायी गोलाकार कक्षाएं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है उसे कहा जाता है कोश या एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल या कोश में इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा प्राप्त होती है। एन का मान 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होता है। एन की संख्या कोश के बारे में बताती है। ये 1, 2, 3, 4 सारी कोशों की संख्या है, जिसे के एल एम एन से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसका वेग, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा प्राप्त होती है। तो एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसका सूत्र दिया जाता है 2n2, 2n2 के द्वारा एक कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब n का मान 1, 2, 3, 4 ये हो सकते हैं। यदि अपन पहले कोश की बात करें तो पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2n2 फॉर्मूले से निकाले तो 2 × 1² तो ये आ जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आया 2। इसी तरह से दूसरे कोश में 2 × 2² 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 8। तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 32। इसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर निकालता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसका ऊर्जा कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, ये अलग अलग सूत्रों के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि अपन एक कोश की बात करें तो एक कोश उपकोशों से मिलकर बना होता है और एक उपकोश कक्षकों से मिलकर बना होता है। तो एक कोश में कितने उपकोश होंगे ये एन के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी कोश में उपकोशों की संख्या का सूत्र किसके बराबर होगा, एन के। जैसे एन का मान 1, तो एन बराबर 1, तो उपकोशों की भी संख्या कितनी होगी, 1। यदि एन का मान
दो है तो उपकोशों की संख्या कितनी होगी? दो। जैसे एक है तो ये हो गया एस उपकोश, एन का मान दो है तो ये कितने उपकोशों से मिलकर बना होगा? दो उपकोशों से, एस और पी। एन का मान तीन है तो ये कितने उपकोशों से मिलकर बना होगा? तीन, एस पी डी। एन का मान चार है तो ये एस पी डी एफ, चार उपकोशों से मिलकर बना है। इसी तरह से एक कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी ये अपन ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र है एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर की सहायता से। तो एन स्क्वेयर कक्षकों की संख्या के बारे में बताता है। एक कोष में कक्षकों की संख्या एन बराबर एक, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक का स्क्वेयर एक, यानी कि पहला कोष एक उपकोष से मिलकर बना है एस उपकोष, और उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? एक। एन बराबर दो, जब एन बराबर दो तो एन का स्क्वायर आ जाएगा दो का स्क्वायर चार, दूसरा कोष चार कक्षकों से मिलकर बना है। एन बराबर तीन तो एन स्क्वायर का मान हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ। इसी तरह से एन बराबर चार तो कक्षकों की संख्या हो जाएगी सोलह। तो मुख्य क्वांटम संख्या, एक बार वापस, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, संवेग। एन का मान एन के द्वारा लिखते हैं, वन टू थ्री फोर, इसे के एन एम एन से प्रदर्शित करते हैं। एक कोष में उपकोषों की संख्या का सूत्र है बराबर एन, कक्षकों की संख्या का सूत्र है एन स्क्वेयर, और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र है टू एन स्क्वेयर। अब अपन बात करते हैं दिगंश या क्वांटम संख्या।